हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटेटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सवाल है समीकरण को हल कैसे करें, यानी समीकरण को हल कैसे किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, समीकरण को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है फ्रेंड्स? महत्वपूर्ण बिंदु यही है, सबसे पहले एक्स वाले पद जो होगा, यानी कि एक्स वाले पद को चर कहते हैं, तो एक्स वाले पद होगा उसको कहाँ पर रखेंगे? बायां पक्ष में। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स वाले पद को कहाँ रखेंगे? बायां पक्ष में, यानी कि एक्स वाले पद को ही कहा जाता है चर पद। और अचर पद को कहाँ रखेंगे? दायां पक्ष की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक्स वाले पद को बाएं पक्ष की तरफ रखेंगे और अचर पद को कहाँ रखेंगे? दाएं पक्ष की तरफ। सेकंड है कि जब तक हम लोग क्रिया करते हैं, यानी कि समीकरण को हल करते हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में यानी कि शुरुआत में आप इनका प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे? या तो या लिखिएगा या और लिखिएगा, अथवा या एरो का चिन्ह, यानी कि हर पंक्ति में जो है आपको या तो इस या लिखा है, और लिखा है, अथवा लिखा है, या एरो का चिन्ह है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे सवाल बनाते वक्त। अब चलते हैं फ्रेंड्स प्रॉब्लम पर। यहाँ दिया गया है 2x + 4 = 12, तो हल करेंगे। किसका? 2x + 4 = 12 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हर एक पंक्ति में क्या करेंगे? चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, या दीजिए, और दीजिए, अथवा दीजिए, या एरो का चिन्ह दीजिए। तो हम एरो का चिन्ह लेकर बनाते हैं। 2x है, ये आपका हो गया। x क्या है? चर राशि, उसको कहाँ पर रखेंगे? बाएं पक्ष की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये बराबर है तो बराबर देंगे। फिर 12 है तो 12 लिखेंगे, क्योंकि अचर राशि को कहाँ रखना है? दाएं पक्ष की तरफ। पक्षांतर विधि में बताया जा चुका है जो +4 है उनको किधर ले जा रहे हैं? दाएं पक्ष की तरफ, यानी कि दूसरे पक्ष की तरफ। तो प्लस में है तो किस में बदल जाएगा? माइनस में। 2x बराबर 12 में से 4 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 12 में से 4 कितना हो गया फ्रेंड्स? 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हमको चर राशि का मान निकालना है, तो एक्स बराबर क्या देंगे? 8/2। अब इसे क्या करेंगे? काट भी सकते हैं, यानी कि 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 × 8, यानी कि एक्स बराबर 4। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। सेकेंड चलते फ्रेंड, 2x - 3 बराबर कितना दिया है? 7। दे दिए हैं, एरो का चिन्ह लेंगे। 2x है तो 2x, बराबर है तो बराबर, 7 अचर है। पहले बताया जा चुका है जो x वाले पद यानी चर को बाएं पक्ष की तरफ रखेंगे और अचर वाले पद को दाएं पक्ष की तरफ रखेंगे। तो चिन्ह के बारे में बताया जा चुका है जो माइनस है और दूसरे पक्ष यानी कि दाएं पक्ष की तरफ ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा? चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, जो माइनस में होगा वह प्लस में बदल जाएगा। 2x बराबर कितना हो गया? 7 × 3 = 10। एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर 10/2 कितना हो गया? 2 × 5 = 10, यानी कि x बराबर 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थर्ड है 5x + 9 = 5 + 3x, हल करते हैं। फर्स्ट
फाइव एक्स प्लस नाइन इक्वल टू फाइव प्लस थ्री एक्स। इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले एरो का चिन्ह लेंगे और जितने भी चर राशि है, चर राशि हो गया यह और यह, इसको एक जगह ले आएंगे। तो हो गया फाइव एक्स, ये प्लस में है तो प्लस में है, और बाएं पक्ष लाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, तो हो जाएगा आपका थ्री एक्स। फिर बराबर है तो बराबर, अचर वाले को कहाँ रखेंगे, दाएं पक्ष की तरफ। अब ये प्लस नौ है और ये जा रहा है दाएं पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, माइनस नौ। पाँच में से तीन घटा देंगे कितना हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, असमान चिन्ह है, यहाँ पर प्लस छुपा है तो असमान चिन्ह में क्या होता है फ्रेंड्स, घटता है, तो असमान चिन्ह में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, चार। चिन्ह किसका रहेगा, तो जो संख्या बड़ा हो, संख्या बड़ा है नौ, तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। अब किसका मान निकालेंगे, एक्स का, तो एक्स बराबर आपका हो गया माइनस चार बट्टा दो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं चार में दो से पूरा पूरा भाग लगता है कि नहीं, दो दूनी चार, तो हो गया एक्स बराबर माइनस दो। ये हमारा फ्रेंड्स क्या हो गया, आंसर। एक और अन्य उदाहरण लेकर समझते हैं फ्रेंड्स और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। उसमें भी वही है जो प्रक्रिया ऊपर बनाया गया है, लिखेंगे सात एक्स बटा तीन प्लस वन इक्वल टू टू एक्स बटा पंद्रह प्लस थ्री। इसमें भी वही है फ्रेंड्स, एरो का चिन्ह लेंगे और चर राशि वाली को बाएं पक्ष की तरफ रखेंगे और अचर राशि वाली को दाएं पक्ष की तरफ रखेंगे। तो ये हो गया सात एक्स बटा तीन, ये प्लस में है तो किस में बदल जाएगा फ्रेंड्स, माइनस में। फिर बराबर है तो बराबर देंगे, फिर तीन आ गया तो क्या देंगे, तीन। प्लस है, जा रहा है दाएं पक्ष की तरफ, तो क्या देंगे, माइनस में बदल गया, माइनस में दे देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये तो आ गया भिन्न घटाव के रूप में, तो भिन्न घटाव के रूप में आया तो क्या करेंगे, एरो का चिन्ह लगाएंगे और तीन और पंद्रह का क्या निकालेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। तो तीन और पंद्रह का यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, दो से पूरा पूरा व्यस्त नहीं हुआ, तीन तीन एकम तीन, तीन पंच पंद्रह, यानी कि तीन गुने पाँच बराबर कितना बराबर था, पंद्रह। यहाँ पर क्या कितना देंगे फ्रेंड्स, पंद्रह। अब तीन को पंद्रह में तीन से क्या करना है, भाग लगाना है, तो कितना से विभाजित हो रहा है, तो तीन पंचे पंद्रह यानी पाँच प्राप्त हुआ, तो पाँच दे देंगे। किससे गुना कर देंगे, ऊपर वाले से गुना कर दिए हैं यानी कि अंश से, फिर माइनस है तो माइनस। पंद्रह को कितने बार टेबल पढ़ेंगे जो पंद्रह प्राप्त हो, यानी कि इस पंद्रह में इस पंद्रह से भाग लगाएंगे तो विभाजित होना चाहिए, तो कितना से विभाजित हो रहा है, पंद्रह एकम पंद्रह यानी एक से, एक दे देंगे यहाँ पर। कितना उसे ऊपर दिया है अंश में, टू एक्स, टू एक्स से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पर तीन में से एक घटा देंगे कितना हो जाएगा, टू। ठीक है फ्रेंड्स, आप सात पंचे पैंतीस, इसको गुना कर देंगे, माइनस है तो माइनस। टू एक्स को एक गुना कर देंगे क्या, कितना हो जाएगा, टू एक्स ही प्राप्त होगा, बट्टा में कितना देंगे, पंद्रह में, पंद्रह है बट्टा में, बराबर क्या है, टू। पैंतीस में से दो को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, पाँच में से दो गया कितना हो जाएगा, तीन, तैंतीस प्राप्त होगा पॉजिटिव में, प्लस में, क्योंकि यहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, चिन्ह तो असमान है, तो असमान चिन्ह होने पर क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद चिन्ह किसका देंगे, जो संख्या बड़ा हो, पैंतीस बड़ा है तो प्लस का चिन्ह है, लेकिन प्लस क्या रहता है, छुपा रहता है। अब बटा में कितना है, पंद्रह, तो क्या देंगे, पंद्रह। फिर बराबर है तो बराबर, टू है तो टू। अब इसको यहाँ पर आप बी सी एम भी कर सकते हैं, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसका दूसरा नाम है कैंची गुना या तिरछी गुना। बटा में कुछ नहीं है इसमें, तो क्या मान लेंगे, एक, और तिरछी गुना कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बी सी एम यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब तैंतीस एक्स को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तैंतीस एक्स, बराबर है तो बराबर, पंद्रह दूनी तीस। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तैंतीस एक्स, एक्स को एक से मल्टीप्लाई किया तो कितना प्राप्त हुआ, फिर बराबर है तो बराबर का चिन्ह दिए हैं, अब पंद्रह दूनी तीस, तो तीस दिए हैं। अब किसका मान निकालना है हमको, एक्स, एक्स इक्वल टू
तीस जाएगा ऊपर, और 33 आएगा नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए किस चीज़ से विभाजित हो रहा है, इतना पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, या 10 तिया 30 और 11 तिया 33, इतना से आप विभाजित कर सकते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 10/11, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।